यार अभी मुझे चमोली का कॉल आया कि वो ऋषिकेश आ रखा है, और यार ये बंदा भयंकर बिन बताया आता है यार, धप्पा देता और जाता है वो जरा इसको लेने। देखो यार ये क्या कर रहा है यार, ओए चमोले, ओए चमोली सुन भी नहीं, ओए चमोले क्या बहरा है तू चमोली भाई यार, क्या यार ये बताओ कि तुम्हें बिन बताए क्यों आते हो तुम है? भाई बिन बताया हमारा मन नहीं लगता यार, घर पे मन नहीं लगता तो भाई बता के आया करो, बिन बताए क्यों आते हो? जब भी हम मिले तो यार चमोली और मेरी परंपरा है कि गन्ने का जूस तो बनता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो यार देखो ये आके मेरे घर में ऐसा चौड़ा होके लेट जाता है, ये देखो तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये बंदा ना देहरादून से मेरे घर खाना खाने आते हैं, नाश्ता करने, आलू और प्याज के पराठे ऑर्डर देते हैं मेरी मम्मी को कि आंटी जरा बना दो जरा बढ़िया सा, भाई कुछ शर्म लाज है ना। तो यार जैसे कि तुम्हें पता है आज एक चिरांद मेरे घर आ रखा है। चिरांद भाई जरा आओ, अपनी शक्ल दिखाओ जरा। यार ये देखो, तो यार ये बंदा देहरादून से ऋषिकेश आया पराठे खाने, नाश्ता करने आ रहा भाई, इतना लेजेंड बंदा तुम सोच सकते हो यार कोई हो सकता है ये? तो यार अभी यार मैंने बोला यार चमोली आया तो चमोली की जरा थोड़ा ऋषिकेश घुमाया जाए, तो चमोली पैसे लेके आ रहा है ना भाई? पैसा ही पैसा है पता है भाई, यार भाई पैसा कितना है? सुनो यार, जितने मतलब अभी तक जितने ब्लॉग्स में भी चमोली मेरे साथ आया है तो यार चमोली के मैंने हर ब्लॉग में बोला कि चमोली का पैसा, तो चमोली के इतने सारे लोग बोलते हैं कि यार भाई हमें तो खिलाता नहीं, तो उसी को खिलाते बस। तो यार आज सारा खर्चा मेरा होने वाला है। नहीं मैं नहीं मानता, यही तो सुनना चाहते थे हम। मुझे भी नहीं पता इसे कहाँ लेके चलना है, क्योंकि यार राम झूला लक्ष्मण झूला वगैरह तो यार घूम रहा क्या तू? वहाँ जाने का इंटरेस्ट भी नहीं है इसको तो इसको कहीं ऐसे घुमाते हैं जरा। यार सीधे चलते हैं, ऋतिक को घुमाते घुमाते ले आए त्रिवेणी घाट में, कैसा लग रहा है तेरे को? भाई बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब खासकर सभी के लिए अच्छी जगह है यार, घूमना है तो आओ यहाँ ऋषिकेश है यार। ऋषिकेश जगह तो अच्छी है यार, पर गर्मी ठंडी सब ज़्यादा होती है। तो यार अभी मैं एक कैफ़े में जा रहा है, मैं ऋतिक को एक कैफ़े ले जा रहा हूँ जिस कैफ़े का नाम है ठिकाना द रेस्टोरेंट, मेरे सामने ही अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मैं और ऋतिक जाते हैं जरा वहाँ खाते पीते हैं। स्ट्रीट फूड खाना है राइस भाई, तो वो भी खा लेंगे ब्रो, पैसा बहुत है ऋतिक भाई। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। ये देखो ये है कैफे त्रिवेणी घाट में है। लोकेशन तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बस देख लो सामने त्रिवेणी घाट है, जैसे सामने जो लेजेंड मूर्ति है त्रिवेणी घाट की उसके सामने तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ से एंट्रेंस है। चमोली कैसा लग रहा है तुम्हें कैफे? बहुत ही तगड़ा कैफे है गाइस, यार मतलब आना होगा तुम्हें तो आओ, दोस्तों के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ। यार बेस्ट पार्ट तो यहाँ यही है कि ये ऊपर वाला जिसमें तुम बैठ रहे हो बढ़िया करके, लेट जाओ यार सो जाओ तुम यहाँ पे। फूड तो बढ़िया होता है यार, और सबसे मेन प्राइस बहुत कम है यहाँ के, तो यार बढ़िया है गाइस। यार ये देखो चाउमीन हमने मंगाई थी, तो यार बहुत ही खुशबू भी बढ़िया आ रही है यार। चमोली ट्राई करो, बोलने से पहले चमोली ट्राई, क्या चमोली भाई बहुत अच्छी है। ऋतिक मुझसे एक बात बोल रहा है, जो हम व्लॉग अभी शूट कर रहे हैं अगर ये व्लॉग 1000 व्यूज से ऊपर जाता है तो मैं देहरादून जाके इसको KFC में पार्टी दूंगा, और अगर ये व्लॉग मतलब कितना भी 200, 300, 400, 500 व्यूज इसमें आते हैं तो चमोली भाई पार्टी देगा। तो यार मुझे पता है नॉर्मली मेरे व्लॉग्स में 300, 400 व्यूज आते हैं, तो यार चमोली तो ये हार गया यार, तू तो मुझे हराना मत, तुम्हारे हाथ पे ये सब, तुम्हारे भाई की इज्जत। तो मैं मैगी खिलाऊंगा, जो जो देखेगा भाई उसको मैगी मैं खिलाऊंगा अपने हाथ में, जितना हो सके शेयर करो भाई, फिर 1000 लाओ यार तुम बस इस वीडियो को भाई हाथ जोड़ना है। मैं ऋतिक को MD लेके आया था, कैसे लग रहे ऋतिक भाई? भाई बहुत ही प्यारी जगह है यार, क्या बताया तुम। ऋतिक ने आते ही सबसे पहली बात बोला कि भाई अगर साथ में गर्लफ्रेंड होती तो मजा आ जाता। यार क्या करे यार ऋतिक, और मेरी किस्मत क्या ही बोले। 1 रुपए का नोट दिखा रहा था पुराने जमाने का, डिंगे फेंक रहा था भाई, 50 साल पुराना, 50 साल पुराना सिक्का। अरे यार तो हाँ, तो 1919 का है भाई, ठीक है भाई, तो हमने भी ऋतिक भाई को जरा अपना डॉलर दिखा दिया जरा। ऋतिक भाई का शक्ल कुछ ऐसी थी। तो यार मैंने इसको बोला यार कि मेरे साथ दूध लेने चल रहे, और ये चल नहीं रहा भाई। मेहमान हो तुम्हारे यहाँ, क्या बोला तूने? म्यूजिक
ऋतिक और मैं बात कर रहे थे कि यार हम दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं है, तब मम्मी ने हम पे कुछ ऐसा कमेंट मारा कि तुम दोनों लल्ले हो लल्ले लड़की फटाई नहीं पा रहे बेटा तुमसे हो ही नहीं पाएगा ऋतिक को कोई लड़की पसंद ही नहीं करती अगर कोई लड़की है देख रही है तो करो हम पे तरस की आईडी हम डाल देंगे ब्लॉग में, देख लेना मैसेज कर देना एक मैसेज मिलने और एक ऋतिक के लिए, और ऋतिक के लिए ना हो तो कोई बात नहीं, मिल लेता हूँ नहीं चाहिए। तो यार आज ऋतिक मेरे घर ही रुक रहा है, तो हमने सोचा है कि रात को मूवी देखने जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा ऋषिकेश का सिमना हॉल भी थोड़ा दिखा दूंगा जितना मैं अगर दिखा पाया हूँ, थोड़ा शूट करने की अगर परमिशन मिल गई मुझे तो। यार और क्या बोल रहे हैं, काफी कुछ है अभी तो यार खाना है, छक करके खाना है, बढ़िया करके खाएंगे। और यार मैंने अपनी मूवी मतलब टाइम फिक्स किया है, 9:40 का हमारा शो है, तो यार अब 9:40 का सो है तो सिर्फ 12 बजे करीब हमारी वहाँ से होगा, और वहाँ से मेरा घर और 13 किलोमीटर दूर है, तो मजा आएगी आज फुल नाइट। बच्चोदी ऋतिक भाई नाच के दिखा दे यार जरा पब्लिक को। चोर लग रहा तू, चोर कोई बात नहीं यार। सो गाइस यार टिकट बुक करवा दी है हमने, अब 9:40 का हमारा शो है, तो अभी हम कहीं कुछ खाने जा रहे हैं, अभी तो कुछ यार 7:30 कुछ हो रहा है, चलो चलते हैं कहीं करते हैं पेट पूजा और तब काम दूजा। चमोली भाई ट्राई कर रहे हैं पाव भाजी, फर्स्ट टाइम पहली बार करो यार चमोली भाई ट्राई करो, मैंने भी आज से पहले कभी नहीं खाई है, हम भी ट्राई करेंगे यार, थोड़ा सा लेंगे पहले तो थोड़ा थोड़ा लेंगे। लाइफ में फर्स्ट टाइम पाव भाजी खाई थी ऋतिक और मैंने, और पाव भाजी खा के हमारा एक्सपीरियंस तो मत ही पूछो यार। नेक्स्ट प्लेस है हमारी राजस्थानी मिस्टर भंडार, तो यार अगर आप फैमिली रेस्टोरेंट तो सबसे बढ़िया है, टू मच भीड़ तो मोरी भाई भाई ए वन 9 नंबर कैंसल 10 में से 10 भाई। शाही पनीर तंदूरी रोटी 10 में से 10 ब्रो, हाईली रिकमेंड, यहाँ आओ खाओ। रसमलाई नहीं खाई तो क्या खाया। ऋषिकेश के अंदर अगर तुम आते हो तुम्हें ना दो जगह मैं बता रहा हूँ, एक ये राजस्थान मिस्टर भंडार और दूसरा टिप टॉप रेस्टोरेंट भाई, बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर फैमिली भाई, अंडर बजट, अंडर बजट और क्या फूड भाई, क्या फूड खाया मजा आ गया। रसमलाई तो रसमलाई आए हाय आ गए अंदर, थोड़ी देर में हमारी मूवी होगी स्टार्ट, तो जाएंगे अंदर देखेंगे। तो यार सबसे ज़्यादा तुम्हारा भाई ना मतलब कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड है। सल्लू भाई की मूवी के लिए यार बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये आएगी 26 नवंबर को, तो यार इसका तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। मूवी स्टार्ट हो गई है, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। मूवी खत्म हो गई थी तो इतनी ठंड लग रही थी यार, 12:15 में हमारा शो खत्म हुआ और इतनी ठंड लग रही थी, हम सीधे जल्दी जल्दी घर आ गए यार, मजा आ गई, मूवी सही थी यार, अगर जिसने देखी नहीं तो देख लो यार बढ़िया है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से व्लॉग में, क्यों रहते ओके बाय, तब तक गाइस गुड नाइट, सायोनारा, लिव योर लाइफ एंड मजे करो यार गाइस, नाक मत कटाना भाई की, बस 1000 व्यूज।